नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। लेडीज़ की अगर बात करें तो लेडीज़ पहले से ही हर काम में जो वो सबसे आगे रहती हैं। और इस बीच जम्मू से बड़ी बात हम आपको ये बता दे चलें कि जम्मू में इस वक्त ठीक हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और यहाँ पर अब आपको लेडीज़ जो है वो पेट्रोल पंप पे जो है वो पेट्रोल भरने वाली जो है वो दिखेंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पर लेडीज़ जो है वो मौजूद हैं। और अगर अब आप यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए आएंगे तो लेडीज़ जो है वो आपका पेट्रोल यहाँ पर भरेंगी। फ़िलहाल देख सकते हैं कि लेडीज़ पहले से ही जो हर काम में आ गई थी, लेकिन अब जो पेट्रोल पंप पर आपको लेडीज़ देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जम्मू में एक पहली पहल हुई है। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप पे लेडीज़ जो है वो आपको पेट्रोल भर के जो है आप आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे। इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। कहाँ से आप? मलिक मार्केट से। मलिक मार्केट से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अब यहाँ पर आप पेट्रोल पंप पर यहाँ पर आप काम करें, पहली बार जो है ऐसा देखने को मिला है कि आप पेट्रोल पंप पर जो है काम करें? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करके कि हम पेट्रोल पंप पे पहली बार पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। बाकी जगह तो लेडीज़ लगी हुई हैं, एक पेट्रोल पंप भी था यहाँ पे जहाँ पे लेडीज़ की बहुत थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ के लिए अलग लेडीज़ यहाँ पे रखी गई है। बाकी जो लेडीज़ यहाँ पे आते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके कि उनको इतनी भीड़ में लाइन में खड़े नहीं होने पड़ेगा, क्योंकि लेडीज़ के लिए अलग लेडीज़ रखे हुए हैं। बहुत खुशी हो रही है हमें भी, उनको भी बहुत खुशी होती है। लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ पहले से ही हर काम में आगे रहती थी, लेकिन यहाँ पर आपको कैसे मतलब कॉन्टैक्ट किया आपने इनसे? मेरे हस्बैंड लगे हैं, इनकी जो कंपनी है वहाँ पे लगे हैं, उनको बोला था उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे लगवाया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ तो कहीं आसपास के मोहल्ले वाले लोगों ने वो कैसे मतलब समझते हैं इस चीज़ को? मोहल्ले वालों की तो बात करने पे आए तो वो तो उल्टी सीधी बात है। रिश्तेदार, बाकी मुझे उनसे वो नहीं है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है कि यहाँ पे आने दिया है मुझे, नहीं तो आज तक तो बहू को बाहर निकलने नहीं देते हैं। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं कि मुझे उन्होंने यहाँ पे आने दिया, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे उन्होंने जॉब लगवाई है। तो अब आप पेट्रोल भरवाने के लिए आएंगे तो ये लेडीज जो आपको पेट्रोल भर के देंगी। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरबजीत कौर है। जी, कहाँ से आप? जी, मैं आरसपुरा से हूँ। आरसपुरा से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि आप लेडीज़ को यहाँ पर प्रेफर जो देंगे? सर, यही कहना चाहती हूँ कि अभी तो ये वूमेन इसीलिए खोला कि जैसे वो लेडीज़ को तेल डिलवाने आती थी तो लाइन में खड़ा रहने पड़ता था, तो अभी जो भी आएंगी तो लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा उनको। सबसे पहले उन्हीं का मतलब हम सर्विस करेंगे, जो भी तेल डालेंगे सबसे पहले उन्हीं को। और जो भी लेडीज़ आती है और बहुत प्राउड फील करती है कि आप लेडीज़ होके मतलब ऐसा काम करती हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हज़ारों से ऊपर लेडीज़ तेल 3-4 दिन के अंदर तेल डिलवा चुकी हैं और सब यही बोलती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और करना चाहिए। कितनी खुशी है आपको कि पेट्रोल पंप पर पहली बार जो हुआ आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिला है? सर, बहुत खुशी है एक्चुअली। अभी तो काम की ज़रूरत भी सभी को होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेन बात यह है कि सर, जहाँ पे यहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छा है, अगर किसी चीज़ का पता नहीं चलता है तो वो इस भैया लोग सर लोग हमारी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन पेट्रोल पंप का इसका जो हो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाएगा, और पिंक कलर से जो हो यहाँ पर सजाया गया है। मैडम, आपका नाम? ईशा जी। मैं कहाँ से हैं आप? सर, मैं प्रीतनगर से। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी है कि पेट्रोल पंप पर पहली बार जो वो जम्मू में ऐसा देखने को मिला है? सर, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम लड़कियों को कोई घर में ये बिलीव नहीं करता था कि आप भी जेंट्स के बीच जाके ऐसे काम करो। अब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह सर्विस कर सकते हैं। जी, देख सकते हैं कि लेडीज़ जो है यहाँ पर पेट्रोल भरेंगी अब, और ख़ासकर लेडीज़ को काफ़ी वक्त तक जो है वो लाइनों में लगना पड़ता था और उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी देर तक जो है पेट्रोल नहीं भरने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन अब लेडीज़ के लिए खुशी की बात है कि अगर अब आपको पेट्रोल पंप पर रुकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो लेडीज़ पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं इनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आपने पेट्रोल? सर, वुमेन जो है हर डिपार्टमेंट में आप देख ही रहे हैं, हमारे कंट्री का ही देख लिए, पूरा जो हमारा
जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी एक वुमेन ने ही संभाला है। तो वुमेन अगर कोई भी काम करे तो वो हमारे लिए प्राउड ही है, चाहे किचन से लेके वो अपना पूरा देश चाहे फॉरेन में भी चला रही हैं। तो इसलिए ये प्राउड मूवमेंट है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है कि वुमेन ये काम करे, क्योंकि वुमेन अगर घर में काम कर सकती है, फॉरेन में काम कर सकती है, बड़े बड़े ऑफिस संभाल सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती है, फैमिली संभाल सकती है, तो ये भी संभाल सकती है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे से संभालेंगे। बेस्ट ऑफ लक टू देयर फ्यूचर्स। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं कि साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर वुमेन अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकती है, बड़े बड़े दफ्तर संभाल सकती है, तो ऐसे में पेट्रोल पंप को संभालना तो आम बात है। इस पेट्रोल पंप के ऑनर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी भीष्म बत्रा। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह से आपके इस पेट्रोल पंप पर जो हुआ अब महिलाओं को जो हुआ यहाँ पर रखा गया है, तो सबसे पहले एक आपका ही पेट्रोल पंप यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर अब महिलाएं जो है वो पेट्रोल भरेंगी। जी बेसिकली हम लोगों ने ये एक कॉन्सेप्ट जम्मू में स्टार्ट किया है, जो फीमेल जॉब, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग कर रहे हैं करें, एंड साथ में हम लोग जो फीमेल आइलैंड का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली है कि जो महिलाएं हमारे पंप पे आती हैं, अपने पेट्रोल पंप से अक्सर देखा होगा कि काफ़ी लाइन लगी रहती है पंप पे, तो उनको अगर लाइन में हम लोग कहते हैं कि महिलाएं लाइन में ना वेट करें, एंड उनके स्पेशल हमने एक आइलैंड डेवलप किया है। क्या लगता है कि अब जो लेडीज़ जिनको लाइनों में खड़ा होना पड़ता था पेट्रोल भरवाने के लिए, तो अब उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा? जी बिल्कुल, उनके लिए एक्सक्लूसिव आइलैंड हमने बनाया है, जहाँ पे वो मतलब आए एंड सेफली यहाँ पे अपना आराम से यहाँ पे डलवा सकते हैं, उनको लाइनों में वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप लोगों को भी हम यही कहेंगे कि जब भी आप पेट्रोल पंप पे आप भरवाने के लिए आएंगे, तो आपको जो है वो रुकना नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन यहाँ पर पेट्रोल पंप का नाम रखा गया है, और जो भी लेडीज़ पहले उनको लाइनों में खड़ा होकर वेट करना पड़ता था, अब वो जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।